नमस्कार, जय मसीह। मैं जगदीश मुखिया, अपना मेरा जीवन गवाही मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ जा रहा है। और विशेष मैं जब पहले मेरा हम ऐसा परिवार से थे जो मेरा दादाजी, मेरा पिताजी जो वैद्य का काम करते थे, और सचमुच में जिस टाइम में वैद्य का काम करता था उस टाइम में बहुत जैसे एपिलेप्सी हो गया, जो सर पर डसता था, हाथ पैर टूटता था, और जो जॉन्डिस, कोई भी बीमारी हो तो ये सारा बीमारी का इलाज हम लोगों का दादा, परदादा से लेकर पिताजी, मैं स्वयं भी कुछ करता था। और यहाँ चलते ऐसे करते करते फिर दूसरा था, हम लोग संन्यास साधु का ज्ञान भी था। हम लोग जैसे नदी में जाकर और जहाँ जैसे गुफा होता है जो एकदम एकांत, कोई भी जहाँ नहीं पहुँचता नहीं सुनता, वैसा जगह में जाकर हम लोगों का टीम था। हम लोग जो संत लोग थे उस संत लोगों के संग में हम लोग जाकर, कहीं आदमी लोग जैसे मर जाता था उसको जलाया जाता था, वो जहाँ जलाता था, जहाँ उनको गाड़ा जाता था, उस जगह पर जाकर यदि कोई ऐसा जैसे फिर जाग गया बोलता है, भूत हो गया, वो कुछ तरसाना लग गया, तो बहुत ऐसा भूत प्रेत ऐसा वो लोग करके उठता था, तो हम लोग क्या करते थे, उन लोगों को उस ठाउं में जाकर जैसे हम लोग ऐसे साधन करते थे तो उस दिन से वहाँ एकदम चंगा हो जाता था, छुटकारा मिलता था। तो ऐसे करते थे, इस परिवार से हम लोग आए थे। तो बाद में ऐसा करते करते हम लोगों का परिवार में जो हम लोग को ऐसा करके छुटकारा दूसरों को दिलाने वाला, फिर हमारा अपना परिवार में ऐसा पूरा इस प्रकार का घटना आ गया है। दुख बीमार परेशान आ गया था, तो ये परेशान आने का बाद में बहुत कुछ किया परिवार में, पर भी कुछ फायदा ना हुआ, और सब बिगड़ते बिगड़ते गया। तो उस वो होने का बाद में और क्या हुआ कि जो हमारा पिताजी, माँ, भाई लोग सब प्रभु यीशु मसीह में वो लोग आ गए, विश्वास करना लगा, कोई किसी ने सुसंदेश लेकर गया, छुटकारा बोला, शांति बोला, तो वो लोग सब प्रभु यीशु को मानने लगा। पर मैं, हमारा तो एकदम ग्रुप था, एक साधु का ग्रुप था, और हम लोग भजन कीर्तन करने वाले में से एक ग्रुप था, पर हम नहीं आए थे। पर बाद में हम जो परमेश्वर का ये क्या बोलते हैं, बाइबल का एक नया नियम एक पुस्तक था, वो पुस्तक पढ़ना शुरू किया। जैसे हम पढ़ना शुरू किया तो लगा सच में जो उद्धार और मुक्ति जो उधर साधु संत का जिस ज्ञान हम लोग सीखते थे, जिस ग्रुप था वहाँ की, ऐसा ठोस प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला था। पर जो नया नियम बाइबल पढ़े तो उसमें उद्धार मुक्ति और बहुत कुछ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का अब क्रूसीफाइड, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का विषय में हम लोग पढ़े देखे, तो सच में लगा कि हमको कि प्रभु में ही सच में जीवन है। यही सोचे, यही जाने, इसका बाद में जानने का बाद में फिर हम प्रभु में आ गए। तो यहाँ आने से आगे एक छोटा सा बहुत भयानक गवाही है, मेरा मुंह से पूरा ब्लीडिंग निकल कर जाता था,
बहुत हम ब्लीडिंग हो गया था। तो एक दिन एक जैसे अगम्बा बोलने वाली एक दीदी भविष्यवाणी थी, पत्र भविष्यवाणी बोलने वाला दीदी थी। वो दीदी ने हमको देखते ही बता दी, बोलने लगी, देख तू तो पहले, तेरा आयु खत्म हो गया था, उसी टाइम तुम मर जाता था, पर क्या हुआ, तुझे मैंने इसीलिए बचाया कि तू मेरा काम करे। तो ना वो दीदी को मैं जानता था पहले, ना कभी हम लोग देखे थे, और ना कभी मुलाकात, भेंट मुलाकात हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। पर वैसे देखने का वो बताई तो सच में जो मेरा जीवन में घटा था वो पूरा घर वो दीदी के द्वारा प्रभु ने बोला। तो उस दिन से फिर हम प्रभु को और काम करेंगे ये मेरा जीवन में ठान लिया था। तो आज इस जगह में हूँ, आगे और प्रभु का राज्य के लिए काम करना है।